basically forgot. New product. Hi guys, welcome back to our channel. Sat Sri Akal ji saryanu. This is Mr. and Mrs. Awesome, and Mr. Awesome of course nahi hai video mein. Only I am here. एंड ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद में व्लॉग कर रही हूँ. इट फील्स सो गुड. बट हाँ, आज आई वॉन्टेड टू व्लॉग एंड इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर. नॉट द ईयर, हाफ ईयर. सो गाइस, ओह माय गॉड, बहुत सारे लाइफ अपडेट्स हैं. धीरे धीरे करके दूंगी, वो एक अलग वीडियो होने वाली है. बट अभी मैंने फिलहाल नाइका से अपनी स्किन केयर पूरी क्रिएट करी है, तो उसका ये ब्लॉग होने वाला है. आई एम गोइंग टू क्विकली शेयर न्यू प्रोडक्ट. इसकी मिनी शॉर्ट्स में आप देख सकते हो जो जो यूज कर जो भी जैसे मुझे लग रहा है. आपको शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिलेगा, इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा जो जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर करे हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले गाइस, रिपीटेड प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ. दिस, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है पहले से. प्लम्पिंग क्रीम से ये हाइलुरोनिक क्रीम हम लाइन फिलिंग वाटर क्रीम हो गई है. एंड इसका कंसिस्टेंसी भी चेंज हुई है पहले से. पहले वाली क्रीम जो थी, इसकी जो मॉइस्चराइजर था वो काफ़ी थिक था. इसका थोड़ा सा लाइटर है कंसिस्टेंसी, आई डोंट नो व्हाई. बट या लॉरियल के अलावा आई कॉन्ट बिलीव इन एनी थिंग राइट नाउ. एटलीस्ट ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है फॉर डे टाइम. आई जस्ट गो विद लॉरियल. सो दिस इज अ रिपीटेड प्रोडक्ट बट विद न्यू पैकेजिंग एंड सम न्यू डिटेल्स इन टू इट. सो यस, एंड ये नाइका से मैंने सारा कुछ ऑर्डर किया था बट नाइका वाला डब्बा ही फेंक दिया, मैं भूल ही गई थी. एनीवेज, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द स्ट्रीक सीरम. ये भी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ करती हूँ. ये भी रिपीटेड प्रोडक्ट है बट शादी के बाद से मैं भूल गई थी कि मैं सीरम नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिर से अब ऑर्डर कर दिया. इसके बाद रिपीटेड प्रोडक्ट ऐसा कुछ नहीं है. ये एक मैं ये न्यू प्रोडक्ट है हिमालय का कोको बटर लिप केयर. I am using which is very tasty khushboo mein and also is very it's rich with the vitamin E, antioxidants, free from preservatives. कोई color नहीं है इसका. और ये मैंने non colorant ही मंगवाया था because रात के time पे, रात और दिन में जब भी मैं घर पे होती हूँ, I want no color on my lips. So ये वो lip है. Moving on is this body love Dove का मॉइस्चराइजर. बिकॉज आई थिंक धीरे धीरे करके स्किन जो हाथ पैरों की है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है. और इस टाइम पे गर्मियों में ऑयल तो लगा नहीं सकती. ऑयल जस्ट डजंट हेल्प. बट या इसलिए मैंने डव मंगवाया था. मेरे को थोड़ी बड़ी बॉटल होगी बट इट्स टू स्मॉल, बट इट्स फाइन. सो या इट इज इट. नाउ वी विल गेट इनटू सीरम्स. No, before it, we'll just finish off this. This is an insight. का मैंने ये nail polish मंगवाया है. 50 वाली bottle piece की थी ये. एक different color because red लगा लगा था, bore हो गई थी, तो एक different shade मंगवाई थी. Now I am going to get into four products which are very different for me. But yeah, मैंने order करे हैं, ये new है. Retinol मैं पहले से use कर रही हूँ minimalist की. बट इस बार मैंने थोड़ा हायर कंसेंट्रेशन मंगवाई, दैट इज 0.6. तो 0.3 से नाउ आई एम इनटू 0.6. एंड ये मिड स्ट्रेंथ एंटी एजिंग सीरम है. मैं अभी तक बिगिनर्स यूज़ करती हूँ, एक साल हो गया मुझे बिगिनर्स यूज़ करते हुए. एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर कोई भी रेटिनॉल स्टार्ट करे तो एक साल तक एटलीस्ट बिगिनर को ही रखना, ठीक है. कितनी भी रिपीटेड बॉटल्स लगें उसके बाद ही ये स्टार्ट करना, ठीक है. सो ये मेरे को कितने की पड़ी थी, सब सारे रेट्स में साइड में डाल दूंगी. नाइका से ही सारे ऑर्डर करे हैं मैंने. एंड सम रीज़न कुछ तो मिड ईयर सेल चल रही थी, तो उसी वजह से थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट्स मिल गए थे. बट नेक्स्ट इज रेटिनॉल के साथ मैंने नाइट क्रीम ही मंगवाई है, पिलग्रिम की सीक्रेट ऑफ जीजू एंड वायलेट कोरिया. पिलग्रिम का मैंने कुछ और भी यूज़ करा है आई थिंक. हाँ, पिलग्रिम का मैंने वो यूज़ किया है. आई डोंट अप्रिशिएट वन थिंग दैट इट्स इन प्लास्टिक. जो भी मॉइस्चराइजर्स में यूज करते हैं उनकी ग्लास बॉटल्स होती है. आई रियली लाइक ग्लास बॉटल्स ओनली, बट दिस इज इन प्लास्टिक. तो चलो सह लेंगे, ये भी कोई खुशबू नहीं है. हल्का सा फ्रेग्रेंस टाइप की है इसमें.
पाउच टाइप की है. सो ये मैंने रेटिनॉल के ओ एनी वेज इसके अंदर जो जो है वो है रेटिनॉल नाइट क्रीम, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड है इस क्रीम के अंदर. दैट इज व्हाट दे क्लेम. लेट्स सी कितना ज्यादा टाइटनिंग करती है मेरी स्किन की. मैं अभी से रेटिनॉल को बहुत ज्यादा अपनी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज 25 प्लस जैसे ही होते हैं तो धीरे धीरे ऐसे मुझे ना अब मुझे कहीं कहीं पे ऐसे लाइन दिखती है, कहीं कहीं मुझे ऐसे दिखता है ओह क्रो फीट्स दिस एंड दैट. तो अब थोड़ा ध्यान जा रहा है इसके रिगार्डिंग. तो रेटिनॉल इज द बेस्ट ऑफ कोर्स. ये लास्ट दो प्रोडक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल ही क्रेजी प्रोडक्ट्स हैं. ये मैंने AHA प्लस BHA मंगवाया है विच इज 15% बिगिनर्स फेस पीलिंग सोल्यूशन. मैं इसको यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और जब भी मैं इसको यूज करूँगी आई डेफिनेटली मेक अ शॉट ऑन इट. मैंने इसको खोल के जरूर देखा है बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने पंप लगा दिया इसमें. ये रेड कलर का है गाइस, ये लिटरली रेड कलर का है. तो मैं जब भी देखती थी इसको इंस्टाग्राम में बहुत एक्साइटेड होती थी बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको अभी एड ऑन कर सकूँ अपनी स्किन में. बट नाउ फाइनली मैंने हिम्मत बना ली बिकॉज दिस इज ऑल्सो ये पीलिंग करते तो अगर आपकी स्किन पील हो तो डेफिनेटली दूसरी स्किन आ रही आएगी है ना. तो आई वॉन्ट बी स्नेक, आई जस्ट वॉन्ट शेड इट. सो आई जस्ट wanted to shed my skin and that's what I did. This is it. This is about the peeling solution. तो ये भी मैंने बहुत सोच के मंगवाया है. इसके बाद definitely कोई heavy moisturizer लगेगा, कुछ थोड़ा rich in ceramides and rich at all. मैंने थोड़ा Korean beauty skincare भी मंगवाया which is Rise Ceramide Moisturizing Cream which is वेरी हाइड्रेटिंग. और इसका भी शॉर्ट बनाऊंगा क्विकली, आई एम गोइंग टू क्लियर इट. तो ये लास्ट प्रोडक्ट है जिसको कि मैंने रिच इन सेरामाइड चाहिए. सो दिस इज गोइंग टू बी सेफ बिकॉज ये मेरे को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कुछ चाहिए था सेरामाइड्स वाला ताकि मैं इसके ऊपर लगा सकूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू पील माई स्किन. सो ऑफकोर्स कुछ तो चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए. सो येस, अब जब भी नेक्स्ट मैं स्किन केयर करूँगी आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक शॉर्ट्स ऑन इट एंड यू डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज. एंड जल्दी ही लाइफ अपडेट आएगा. आई वॉन्ट टू गिव लाइफ अपडेट जिसके साथ मैं लाइफ शेयर कर रही हूँ. सो आई वॉन्ट मिस्टर ऑसिम टू बी विद मी, हमो टू बी विद मी. सो वेन एवर ही इज अवेलेबल वी आर गोइंग टू मेक अ लाइफ अपडेट व्लॉग. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू. बेसिकली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो. Don't forget to share it with your friends and don't forget to apply it on yourself. So bye.